टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, खुल गई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल, सरकारी दावे फेल, लापरवाही जान पर भारी। अपनी तरह तरह की कारगुजारियों के कारण बदनाम हो चुका यह वैशाली जिले का महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि इस बार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चर्चा में रहने की वजह बहुत अलग है। इस बार ये अस्पताल मरीज की जान से खिलवाड़ करने के कारण चर्चा में आया है। अस्पताल के अंदर मोबाइल की रोशनी में एक महिला का ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। आखिर कैसे एक अस्पताल में इस तरह की लापरवाही हो सकती है? बताया जा रहा है कि महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के संरक्षण में एक झोलाछाप युवक मोबाइल की रोशनी में महिला का ऑपरेशन के बाद स्टिच कर रहा है। हद तो तब हो गई जब अधिकारी इस पर बहाना बनाने लगे। ऑपरेशन के दौरान एकाएक MCB गिर गया, मतलब बिजली कट गई, और उसके कारण जो है टॉर्च का सहारा लेना पड़ा उसका, और तुरंत उसका जनरेटर चला के निष्पादन कर लिया। अच्छा, ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो बाहरी को बुला करके ऑपरेशन करवाना पड़ा? उससे तो उसके संबंध में जो है आज कार्रवाई की गई है बाहरी व्यक्तियों पर, और उस संबंध में सर्जन से और मूर्छक से पूछा गया है कि किस परिस्थिति में बाहरी व्यक्ति से सहारा लिया गया। जहाँ तक मौखिक जानकारी मिली है कि OT असिस्टेंट जो थे DNM, उनकी तबीयत एकाएक ख़राब हो गई थी तो ऑपरेशन के दौरान ही, तो इसलिए बाहरी व्यक्ति का, जो सर्जन बताए कि इसलिए बाहरी व्यक्ति का सहारा लिया। क्या कार्रवाई हुई आज? आज से जो है महनार हॉस्पिटल में बाहरी व्यक्ति से किसी तरह का मदद लेने का पर रोक लगा दी गई। जैसे बाहरी व्यक्ति से ऑपरेशन चाहे कोई भी काम में मदद नहीं देना, हम लोग एक आदेश निकाल दिए हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस संबंध में महनार CHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सीताराम ने भले ही लाइट कटने के कारण इस तरह ऑपरेशन की बात कही, लेकिन ये सरकारी दावे की पोल खोलने के लिए काफी है। अनिल कुमार, वैशाली।